Hello friends, I Dr. Vikmans Rastav welcome all of you in this video lecture course. So friends, aaj hum solve karenge December 2013 ke complex analysis ke kuch problem jo aaye hue hain. Dekhiye problem kya hai. Let f be a non-constant entire function. Dhyan dijiyega, non-constant entire function. Which of the following property is possible? देखिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉसिबिलिटी कह रहा है पॉसिबिलिटी फॉर एफ फॉर ईच ऑफ द जेड बिलोंगिंग टू सी राइट. अच्छा देखिए चार ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं. कोई भी आप जनरल नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन ले सकते हैं और किसी स्टेटमेंट में किसी भी ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं राइट. तो रियल पार्ट कह रहा है उस फंक्शन का जो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है वो कह रहा है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा. पॉसिबिलिटी बार बार आपको ध्यान रखना होगा पॉसिबिलिटी. सेकंड कह रहा है इमेजिनरी पार्ट एफ जेड लेस देन जीरो होगा. एक ऑप्शन है मॉड एफ जेड इज लेस देन वन और फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. चार ऑप्शन की बात कर रहा है आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है. एक नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन ऐसे लेते हैं. देखिए इंटायर फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू ई पे पावर जेड. ध्यान दीजिए ई पे पावर जेड मैंने ले लिया ई पे पावर जेड. अब ई पे पावर जेड को एक्सपेंड करिए थोड़ा तो जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आई वाई. तो यहां से क्या हो जाएगा ई पे पावर एक्स बाहर आ जाएगा और आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं कास वाई प्लस आई साइन वाई. सिंपल सा है इसको मैंने यहाँ पे बाहर लिया कुछ नहीं दिक्कत है. अब इसका रियल पार्ट आप सोचिए रियल पार्ट क्या है ई पे पावर एक्स कॉस वाई और इमेजिनरी पार्ट क्या है ई पे पावर एक्स साइन वाई कहाँ बराबर हो सकता है. देखिए रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट ये बराबर है ही नहीं है यानी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग राइट. ए जरूरी नहीं है सही. सेकेंड आते हैं अच्छा मॉड कह रहा है एक ये तो मैंने इसका मॉड निकाला इसको मॉड को छोड़ दीजिए. अच्छा देखिए यहाँ पे मॉड आपने एक तो आपने बताया इंटायर फंक्शन है इंटायर फंक्शन एफ इज इंटायर फंक्शन और इंटायर फंक्शन के साथ साथ बाउंडेड भी है. कोई फंक्शन इंटायर है और बाउंडेड हो क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए जबकि यहाँ क्या दिया नॉन कांस्टेंट यानी ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं है. ध्यान दीजिए उसको मैंने ऐसे भी निकाल लिया मॉड एफ जेड निकाला जो कि ई पे पावर एक्स आया. देखिए ई पे पावर एक्स आया और ये जरूरी नहीं है कि ये लेस देन वन हो फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू सी राइट. लेस देन वन ऐसे भी देखिए जीरो पुट करेंगे तो जीरो पुट करेंगे तो क्या होगी इसकी वैल्यू वन होगी. तो यहाँ क्या कह रहा है लेस देन वन जो कि इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कह रहा है यानी ये भी गलत होगा. थर्ड आते हैं कह रहा है इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो होगा. अभी आपने जस्ट देखा जीरो पे भी वन है लेस देन कैसे आएगा. इमेजिनरी पार्ट एफ जेड इसी फंक्शन को ले लीजिए इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो की बात कर रहा है लेस देन जीरो होगा नहीं. फॉर एवरी अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर ईच जेड ये ध्यान दीजिएगा जेड ईच की बात कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है. क्या हर जेड के लिए ये होगा लेस देन जीरो नहीं होगा. अभी आपने एग्जाम्पल जैसे देखा अगर हम जीरो ही रखें तो भी वन आ रहा है ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट लेस देन वन होगा राइट. ऐसा होगा ही नहीं जीरो पुट करेंगे अगर आप तो ये कैसे बता सकते हैं कि ये लेस देन होगा राइट. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन पे आ जाइए कह रहा है एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. हाँ ये पॉसिबिलिटी है फॉर ईच जेड करके भी देख लिया किसी भी जेड के लिए कभी भी ई पे पावर जेड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती फॉर ईच जेड ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी इज ए पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. तो देखिए किसी प्रॉब्लम को आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से या वैरायटी या तरीके से कोई जरूरी नहीं है जो मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया हुई कई अलग अलग फंक्शन को कई अलग अलग तरीके से आप इसे स्टेटमेंट से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं राइट. तो चलिए आगे देखते हैं 2013 में ही कॉम्प्लेक्स से एक और प्रॉब्लम भी आया हुआ है उसे भी देखते हैं. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन और आया है क्वेश्चन नंबर 35 है इसी दिसंबर 2013 को. पहले देखिए इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत बड़ा सॉल्व किया था लेकिन फिर सोचा कि इस प्रॉब्लम को आसानी से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. वही है जितनी बार आप सोचेंगे उतनी बार अलग अलग तरीके से आप उसे
क्योंकि हमने इससे पहले एक इंटायर फंक्शन लिया हुआ था अभी जस्ट नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, तो उसी बेसिस पे मैंने सोचा इसको क्यों ना दो लाइन में ही सॉल्व कर दीजिए रैदर देन इतना सोचने के लिए। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन इन द यूनिट डिस्क, और यूनिट डिस्क है और ये बता रहा है मॉड जेड इज लेस देन वन, यानी एक ऐसी सर्किल जिसका सेंटर जीरो है, रेडियस वन है, लेकिन उसके उस बाउंड्री पे नहीं उसके अंदर लाई किया हुआ है, सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू वन, देन इट इज नेसेसरी दैट, नेसेसरी दैट ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नेसेसरी दैट नेसेसरी की बात कर रहा है, देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट जेड इन द यूनिट डिस्क, अगर बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जिसके लिए एफ जेड इज इक्वल टू वन होगा, मॉड एफ जेड इज इक्वल टू वन, ध्यान दीजिएगा अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पकड़ लिया तो फिर कुछ है ही नहीं है उसमें, मॉड एफ जेड इज इक्वल टू वन की बात कर रहा है, एफ इज बाउंडेड की बात कर रहा है, देयर आर एट मोस्ट फाइनेटली मेनी पॉइंट इन जेड, ये इसी का सेम रिपीट किया हुआ बस इनफाइनेटली की जगह क्या लिख दिया मोस्ट फाइनेटली लिखा हुआ है, जिसके लिए मॉड एफ जेड की वैल्यू वन हो गया। फोर्थ ऑप्शन है एफ इज रेशनल फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिया है एफ जेड इज इक्वल टू ई पे पावर जेड, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि जो भी कंडीशन दिया हुआ है उन सारे कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए एफ जीरो इक्वल टू वन की बात करा, अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करें, देखिए एफ जीरो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया एफ जेड इक्वल टू ई पी पावर जेड, ये नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन लिया है, एंटायर फंक्शन लिया है, अब अगर आप जीरो पुट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी वन, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, और हम ये मान के चल रहे ये जो है डिफाइंड है इस यूनिट सर्किल मॉड जेड इक्वल टू वन के लिए, यानी ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे नहीं लाई करेगा बाउंड्री, इसके अंदर लाई करेगा। अच्छा मॉड एफ जेड इक्वल टू अगर वन है ई पे पावर जेड, यानी कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, मॉड ले अगर वन आ रहा है इसका मतलब क्या है, जेड की आप कुछ भी वैल्यू यानी एक्स रियल पार्ट की कुछ भी वैल्यू पुट कर डालिए, ठीक है इस एक्सिस पे कुछ भी पुट कर डालिए, इनफाइनाइट पॉइंट पुट कर डालिए तो भी इसकी वैल्यू वन आएगी, राइट। देखिए मॉड एफ जेड लेंगे तो मॉड एफ जेड क्या आएगा वन, और अगर वन आया इसका मतलब है आप कुछ भी एक्स की वैल्यू इस रियल एक्सिस पे पुट करिए, बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट होंगे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया, इनफाइनाइट बहुत सारे पॉइंट हो गए, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट ऑफ जेड इन विच दिस यूनिट डिस्क मॉड एफ जेड इज इक्वल टू वन, नेचुरल सी बात है। अच्छा ये फंक्शन तो बाउंडेड है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, क्योंकि हमें एक ऑप्शन मिल गया, ये ऑप्शन भी आपको मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें एंटायर फंक्शन है और वो बाउंडेड नहीं है, राइट, इस यूनिट सर्किल के लिए। ये देखिए दोनों ऑप्शन पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट थे, ये कह रहा था फाइनेटली, जबकि हमको मिल गया इनफाइनेटली, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिसके लिए मॉड एफ जेड इज इक्वल टू वन होगा, राइट, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड ऐसे ही हो गया। अच्छा ये देखिए ये इरेशनल है, सब जानते हैं इरेशनल फंक्शन है, ये रेशनल हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो डिस्कार्ड। तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को बारीकी से देखना पड़ेगा, देखिए हमने यहाँ पे पेज मोड़ दिया था, इसको मैंने बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व किया था और वो भी कंडीशन सारे सही थे, लेकिन मैंने देखा एक छोटे से एग्जांपल से भी हम इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और तुरंत वो ऑप्शन आपको मिल गया। अब आपको बस यही ध्यान रखना है मॉड एफ जेड की वैल्यू सीधे सीधे, अगर मॉड जेड ऐसे भी आप अगर ब्रेक करें ई पे पावर जेड, यानी ई पे पावर एक्स प्लस आई वाई, यही है ना, ई पे पावर एक्स प्लस आई वाई, यानी ई पे पावर एक्स और आई वाई को आप क्या लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, और उसका मॉड लेंगे वन आएगा, यानी टोटल मॉड क्या आ जाएगा ई पे पावर एक्स, और ई पे पावर एक्स आएगा और हमें चाहिए वन, तो एक्स की इनफाइनाइट बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाए वन हो जाए रियल एक्सिस में, देखिए इस रियल एक्सिस में एक्स की इस पर्टिकुलर के लिए बहुत सारे इस वैल्यू हो सकती हैं जहां पे ये फंक्शन वन हो जाए, राइट। तो सिंपल सी बात है, देयर हैज इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स फॉर दिस कंडीशन इज सर्टिफाई मींस मॉड एफ जेड इज इक्वल टू वन। तो फ्रेंड्स आपने देखा किसी प्रॉब्लम को
दो बार तीन बार सोचने का नजरिया क्या है आपका, किस तरीके से सोचते हैं। इस प्रॉब्लम को पहले मैंने सॉल्व किया था 1 घंटे पहले कुछ और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 34 इससे पहले जो सॉल्व किया था आपका December 2, उससे मुझे आइडिया लगा इस प्रॉब्लम को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लेंदी जाने की जरूरत ही नहीं। तो आपके सोचने का तरीका बस होना चाहिए, कैसे आप सोच सकते हैं, वैरायटी आपको प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए। नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन 8-10 एग्जांपल आप याद कर लिए, उन एग्जांपल्स के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को और डिस्कार्ड बड़े आराम से कर सकते हैं। और आप जानते हैं इंटायर फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल ई पे पावर जेड है, साइन जेड कॉस जेड इंटायर फंक्शन है, कोई भी पॉलीनोमियल है जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये सब इंटायर फंक्शन है। तो कुछ सेट ऑफ एग्जांपल रख लीजिए, उससे आप बहुत सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।